हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी चिकन। अमूल क्रीम, फ्रेश क्रीम ली है हमने, अमूल क्रीम। अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर की बनी मलाई की या क्रीम भी ले सकते हो। इसके लिए हमने 3 चम्मच लिए, 3 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम ली है। और 1/2 किलो हमारा चिकन है। 2 टमाटर बारीक चॉप कर लिए, 2 प्याज बारीक चॉप कर लिए, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी कसूरी मेथी, सरसों का तेल और 4 टेबलस्पून दही, गरम मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने 1 टेबलस्पून, बड़ा टेबलस्पून है ये, सरसों का तेल डाल देना और तेल को हमने गर्म होने देना है। तेल गर्म हो गया, अब इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसको हमने थोड़ी देर चलाना है। इस तरह से थोड़ी सी देर चलाएंगे। अब इसमें हमने चिकन डाल देना है। चिकन को हमने पहले ही वॉश कर लिया अच्छी तरह। अब हमने इसको तेल में इसी तरह से भूनना जब तक कि चिकन का कलर सफ़ेद ना आ जाए। गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे और 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। चिकन को हमने 5 मिनट भून लिया है। 1 मिनट तक गैस कम करी थी, फिर तेज आंच में इसको इसी तरह चलाते रहे, इसको भून लिया। इसका कलर भी वाइट हो गया और तेल भी छोड़ दिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और चिकन को निकाल लेंगे हम। अब इसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल और डाल देना है। अब इसमें हमने डालना है प्याज और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। आंच को तेज ही रखेंगे और इसको भूनेंगे थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक। प्याज को भून लिया, अब इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं और साथ में डाल देने हैं ये मसाले, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च। और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। मसाला भून चुका है, तेल छोड़ दिया मसाले में। अब इसमें हमने नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार और इसको मिक्स करेंगे। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब इसमें हमने चिकन डाल देना है। डालने के बाद भी अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें। इसको आंच को तेज ही रखा है हमने। अब इसमें हमने 1/2 कप पानी डालना है और आंच को सिम करके इसको थोड़ा उबाल आने देंगे। आंच को सिम करके हमने ढक्कन लगा के इसको 5 से 10 मिनट तक पकने देना है। चिकन पक चुका है, पानी भी सूख गया, तेल भी छोड़ दिया है चिकन ने। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला और साथ में डालेंगे 3 चम्मच दही और दही को अच्छी तरह से चलाएंगे। 5 मिनट इसको पकाएंगे, तेज आंच पर रखेंगे जब तक कि दही ना सूख जाए, तब तक इसको चलाते रहेंगे। चिकन में दही डाला था, उसके बाद दही सूख गया। अब चिकन हो चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हमने लास्ट में क्रीम डाल देने हैं। 3 चम्मच क्रीम डाल देंगे, 3 चम्मच ही है ये। और थोड़ा सा इसको चलाएंगे 2-3 मिनट तक, तेज आंच पर इसको पकने देंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। क्रीम डालने के बाद इसको 1 मिनट तक पका लिया। हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, अगर आपको ज़्यादा सुखाना है तो आप इसको और पका सकते हो। अब गैस को बंद कर देंगे। अब चिकन हमारा तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अमूल फ्रेश क्रीम चिकन खाने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहे रोटी के साथ खाएं या परांठे के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।